हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग कॉल। इतनी सारी कमेंट्स आई जो मैंने पूछा था कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कौन कौन से आइटम में रेडी टू ईट में खरीद सकती हूँ, तो बहुत सारी कमेंट्स आई थी, बहुत सारी कंपनियों के नाम आए। कोई कोई लोगों ने तो ऐसा बोला कि आप वो मत खिलाओ, आप अपने आप घर पर बना के ले जाओ। घर पर क्या है कि वो रवा और गेहूं का आटा आता है, वो शेक के आप स्टोर करके ले जा सकते हो। बहुत बहुत ही सारा सजेशन मुझे मिला है, देखती हूँ अभी मैं क्या कर पाती हूँ और क्या मैं करके लेके जाती हूँ। तो सजेशन सबका एक्सेप्टेड है, लेकिन अमल किस पे होगा वो अभी नहीं पता है। और यस, जयदीप रात को 8:30 बजे जामनगर पहुंच गए, और चलो पहले ले लेते पापा का स्वीचर, बाद में करते हैं कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या है ताजा खबर आज की? ये तो राजकीय घमासान चल रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई मिलजुल कर रहा है, ऐसा है। बाधवान उचाल है हमने। हाँ। हीरा उद्योग में मंदी आ रही है। हाँ, बहुत मंदी है हीरा में। हाँ। तो बता दीजिए सुविचार। आज का सुविचार है, आज इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से मेल नहीं है। सही बात है। ओके ओके पापा, तो बढ़िया सा सुविचार हमें मिल गए। और पापा ने जैसे बताया कि हीरा में मंदी है, यस बहुत ही सारी मंदी चल रही है अभी हीरा मार्केट में, जो सूरत में मेन मार्केट माना जाता है। तो हीरा में जब मंदी आती है तब पूरे मतलब कि सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी असर पड़ती है, और इतनी महंगाई भी बढ़ गई, साग भाजी के भाव भी आप देख लो कितने ज्यादा बढ़ गए, लेकिन कोई नहीं, चलो ऐसा तो चलता ही रहेगा। और यहाँ पे हमारा ढिंगू जी, कानू जी, गटड़ी जी। गुड मॉर्निंग हार्दिक भाई, जय श्री कृष्णा। क्या है अभी ढिंगू की अपडेट है? सो गया? हाँ, नीचे सो गया था, बाद में उठ भी गया। उसमें घुमा रहे थे ना ब्राम में, तो सो गया। मस्त फर्स्ट क्लास। बाद में उठ गए। उठना ही है, सोना ही सोने, नींद ही चली गई है कनिष्क, है ना कानू, है ना कानू। चलो अभी कनिष्क और काका का अपना ही एंजॉय करने का टाइम चल रहा है, तब तक हम बना लेते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। कल हार्दिक भाई बहुत सारा नाश्ता लेके आए थे, तो इसमें कुछ कर लेंगे, देखते अभी क्या बना पाते। और यहाँ पे मम्मी अपने कान्हा जी की खातिरदारी करते हुए, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे हमारे कान्हा जी की आरती अभी होगी, और यहाँ पे बिल्ले का स्टॉक थोड़ा ज्यादा ही मात्रा में बढ़ गया है, तो जिनको चाहिए उनको हम दे देंगे। वैसे हमारे घर पे बुकिंग एडवांस बुकिंग ही रहती है बिल्ले के बारे में, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में और हमारे रिलेटिव के वहां से फोन आके आ जाते हैं कि हमारे लिए बिल्ले रखना, तो एडवांस बुकिंग में है सबके, तो जिनके भी होंगे उसको हम दे देंगे। चलो चाय पानी करके बाद में मिलते हैं। तो जी मॉर्निंग हो चुकी है, गुड, बहुत ही बढ़िया नजारे। वेलकम टू द व्लॉग फ्रॉम जामनगर। मैं पहुंच चुका हूं पटेल समाज की वाड़ी पे, जहां पे अभी ये सब हो रहा है, क्या बोलते हैं, मंडप मुहूर्त है, और फिर हल्दी पीठी होने वाली है, और बहुत अच्छा माहौल है अभी, एकदम ऐसा ठंडा माहौल है ऐसा, मतलब गर्मी भी नहीं है बहुत, ठंडी भी नहीं है। पर हाँ, मेरे को सुबह सुबह थोड़ा काम करना पड़ा था ना, तो क्या है कि थोड़ा ऐसे बोबड़ा गया था, क्योंकि पसीना हो गया था हमको, ठीक है। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे एक स्कूल के फ्रेंड की फैमिली का वेडिंग शूट करने के लिए आया हूँ जामनगर में। मेरे को बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे सजेशन किए हैं कि कचौरी खाना, कल के वीडियो में तो भाई आप लोगों ने कितने सारे कमेंट किए, मैं तो पढ़ पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कि जामनगर में से इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो मिलने का तो बनता ही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल मीटअप रखा जाए। सोच रहा हूँ कि 5 तारीख को सुबह 8 बजे अराउंड समथिंग 8:30 बजे लखोटा लेक में हम लोग मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया कल के वीडियो में, तो भाई आप लोगों ने पूरा भर दिया, भाई ममरा भर दिया वीडियो का व्लॉग में, 500 से ज्यादा व्लॉग के रिप्लाई आ गए हैं और कमेंट आ गए हैं कि आप लोग लखोटा लेक में मिल सकते हो, यहाँ की जय विजय की कचौरी है वो खा सकते हो, घर के लिए भी लेके जा सकते हो। तो जरूर मैं लेके जाऊंगा, और जरूर मैं आप लोगों के सजेशन को सड़कों पर रखूंगा। तो जामनगर वासियों, आई एम रियली लविंग इट, चाय बहुत अच्छी मिलती है आपकी यहाँ पे, और 10-10 मीटर पे चाय के थैले है, जहां भी जाओ चाय मिल जाती है, तो दैट इज गुड। और स्वीट लोग है जामनगर के लोग, बट यहाँ का खाने खाने का कुछ है ना, मेरे को अभी सेटिंग में नहीं पड़ा है। खाने में यहाँ के लोग घुघरा, फिर क्या बोलते हैं, कचौरी, फिर जोटा, ये सब कुछ अलग अलग नवी नवी वेराइटी मेरे को सुनने में आई है, तो देखते हैं अभी क्या हम खा सकते हैं और क्या एंजॉय कर सकते हैं। होपफुली हमको जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करने में मजा आएगा। तो आप लोगों को मिलने का है 5 तारीख को सुबह, कमेंट कीजिए, लखोटा लेक में सोच रहा हूँ, तो वहां पे मिलने का कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना जल्दी, क्योंकि मेरे को 5 तारीख को शाम को घर पे पहुंचने का भी है, तो 8:30 बजे मिलूंगा, 9:30 बजे तक मैं निकल जाऊंगा।
तो शाम तक मैं घर पे पहुंच के मेरा काम काज जो है वो फिनिश करूंगा। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आज के दिन का मेरा जो शेड्यूल होगा वो आपको मैं शेयर करता रहूंगा। अभी तो ये पटेल समाज है, बाद में मैं कहीं और जाने वाला हूँ। मेरा स्टे हाईवे के पास है कहीं पे, तो वहाँ पे तो मैं थोड़ा इवेंट वेवेंट पे रहूंगा, बिजी रहूंगा तो मिल नहीं पाऊंगा किसी को, बट हाँ स्पेशल मीटअप प्लान किया है। जामनगर ना छोकरा मड़वा आ गया छे बहुत बढ़िया मात्रा में। आ तमे लोग लग्न में आया छो? कोना लग्न में आया? दीदी ना लग्न में आया। तमार दीदी नु शूट हूँ करू छु। आपने हांजे बधा रास गरबा मस्ती करशू है ने? तो बहुत बढ़िया लोग है, मजा आया, सेल्फी बेल्फी खिंचवाया और अभी एंजॉय करेंगे हम शादी में। बाय 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 बाय। चलो तो समर स्पेशल मैंगो के साथ गुड आफ्टरनून हार्दिक भाई, क्या कैसा लगा खाना आज आपको? वैरायटी तो बहुत सारी है, थेपले है, दाल ढोकली है, सब्जी है, मर्चा है, रोटली है, इतनी सारी आइटम कहाँ से आई? बस हमें मन हुआ कि चलो आज हार्दिक भाई को 100 पकवान खिलाए, इसलिए मन नहीं होता है। ये बात गलत है। दाल में कुछ काला है आया होगा। ये सो दाल ढोकली और थेपले हमारे बाजू में से आए, संगीता भाभी ने दिए है, हमारे मस्त टेस्ट है। हाँ, मस्त टेस्ट है। मैंने और मम्मी ने मस्त छे। तो हमारे आजू बाजू में वो वाटकी व्यवहार रहता है, जो कोई कोई अलग अलग चीजें बनाता है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। वैसे क्या होता है, हमारा घर का टेस्ट रोज हम लोग खा के इतने वो बोर हो जाते हैं, हमारे मुंह में लग जाता है, और दूसरों का टेस्ट चखते हैं ना तो हमें इतना बढ़िया लगता है ना। वैसे भी बढ़िया ही बनाते हैं, संगीता भाभी बहुत ही अच्छी रसोई बनाते हैं, तो थैंक यू सो मच संगीता भाभी इतनी अच्छी रेसिपी आपकी, आपका घर का खाना हमारे साथ शेयर करने के लिए। नहीं मम्मी, क्या है कानू का अपडेट? कानू ये कानू तो कानू केटलो मोटो मोटो लागे छे। अब हम रोज देखते हैं ना तो हमें बड़ा नहीं लगता, जयदीप 4-5 दिन बाद आएंगे ना तो जयदीप को लगेगा, है ना? है ना? गोड़ियां बदले में यूज को लागे ना। हाँ है ना, साल वाला पेड़ा गटड़ा। सुबह सुबह नींद खींच ली थी। कनिष्का भी ऐसा हो गया, सुबह दो ढाई घंटे तक सो रहता है, बाद में पूरी दोपहर चालू रहता है, भाई बहन दोनों का, बाद में 4:30-5 बजे सोने का रहता है, तो पूरी दोपहर सब लोग सो जाते, वो दो भाई बहन जगते हैं। और दूसरी एक बात, चलो जयदीप भी अपना जो पूरा शेड्यूल है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो भी साथ ही साथ आपको देखना मिल जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिए। भाई आपके कमेंट के मुताबिक पहुंच चुके हैं जैन विजय कचोरी खाने के लिए, केवी से भाई कचोरी वो फाइन। हालो आप भाई तो लपेट इडली थी, वेट कराए के नहीं कराए हमारो है, कराए के नहीं कराए वेट ना, मैं तो चाखे पहला तमे के लिखा दी लीधी केटली एक किलो किलो चलो एक आध 2 किलो ले लिया। देखो भाई मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे मिले हैं दोपहर के 2:30 बजे और हम लोग ने यहाँ पे ब्लैक पेपर में लंच किया है। जय बोरड दर्शक अकबरी, पुरानी यादें ताजा हुई, हूँ के जय? बस मजा जयदीप भाई आया, बहुत मजा आई। अरे वाह वाह जयदीप भाई बनी क्यों जोरदार। इधर इन लोगों ने मेरे को अच्छा लंच करवाया, हम लोग कितने 10 साल के बाद मिले, 12 साल हो गए, 12 साल से ज्यादा हो गया यार। तो जय भाई मुझे लेके आए हैं पोर्ट के एरिया पे, ये इसको क्या बोलते हैं, जगह का नाम क्या है? रोजी पोर्ट। अभी रोड के दोनों साइड समंदर का पानी है और हम लोग यहाँ पे गाड़ी खड़े करके देख रहे हैं, और यहाँ पे शिपयार्ड जैसा कुछ है, बहुत बढ़िया जगह है। सनसेट के टाइम पे जय इधर बहुत मजा आता होगा, और यहाँ पे बर्ड्स भी बहुत है, जैसे आपके आपने आगे की वीडियो में देखा है, ये फ्लेमिंगो वेमिंगो सब यहाँ पे बैठ के अपना एंजॉयमेंट मारते हैं, और खाने पीना का उनका हो जाता है यहाँ पे, वो सॉल्ट का भी वो बहुत सारा बड़ा ये है यार्ड, यानी वो क्या है सॉल्ट प्रोडक्शन, बहुत अच्छा है भाई। पानी इतना क्लीन है, द्वारका याद आ गया मेरे को, एकदम ब्लू पानी है। तार मम्मी जय श्री कृष्ण कैसे इनके मम्मी हमारा वीडियो देखते, और ये मेरे साथ हॉस्टल में था कितने साल, 5 साल,
8, 9, 10, 11, 12 इतने साल हम साथ में पढ़े, तो वल्लभ आश्रम की यादें भी ताजा हो गई और जामनगर भी दिखा दिया, मजा आ गया भाई। चाका जाम थोड़ा लाइक कर दो, जामनगर वाले बहुत अच्छे लोग हैं। तो ऑफिसर हमारे ऐसु, पूरी दोपहर तूने कनिष्क को भी नहीं सोने दिया और तू भी नहीं सोई, क्यों? मुझे नहीं नींद आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? तू स्कूल पे जाती हो, थक नहीं जाती? मैं स्कूल पे बस पे मैं आती हूँ ना, हाँ हाँ हाँ, तो मैं सो जाती हूँ बस। बस में सो के आती हो इसीलिए नहीं सोती हो? तो यहाँ पे आके कनिष्क को क्यों जगा देती हो? को मुझे रमाडना होता है, रमाडना होता है, उसी लिए मैं, उसी लिए। अबे बजेने, अबे रियनी, अभी रेडे हो, अभी रियनी। स्कूल पे क्या किया तूने? स्कूल पे स्पोर्ट्स होगा, स्पोर्ट्स था। हाँ, तो मैं स्पोर्ट्स में नहीं रोई। तू नहीं रोई आज? नहीं। क्यों नहीं रोई? स्पोर्ट्स में मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद आ रहा है। स्पोर्ट्स अभी तो उन्हें पसंद आ रहा है, गुड। थोड़ा चलो, थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो वो अच्छा है। अभी धीरे धीरे यूज्ड टू हो रही है, यूज्ड टू हो जाएगी, बाद में एक महीने का फिर से वेकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे कनिष्क हमारा कोयल की आवाज सुनते हुए, हेलो कनिष्क गटुड़ी, पूरी दोपहर सुनता नहीं है और आंखी बड़ी कर कर के देखता रहता है और यही करका रहता है ना। ये कनु, अभी हार्दिक भाई आपको भूख लगी थी ना? थोड़ी भूख तो लगी। तो मैं एक इंस्टेंट, कल बहुत सारी कमेंट आई थी हमारे लिए इंस्टेंट रेसिपी फॉर रेडी टू ईट वाला पैकेट, तो मैं ऐसी आई थी कमेंट, काका के घर पे शिवने का थेपला आया था तो वो सब खा गए और मैं को नहीं खाना। हाँ सही है, दोपहर को ऐसु को थेपले खाने थे लेकिन हमने खोला तो थेपले ही नहीं थे, क्यों खा गए? 50 थेपले था। आप क्यों थेपले खा गए? तो मुझे खाना था, थोड़ी रखना। मुझे वास नहीं आई थी कि तुझे खाने थे। चल आपके लिए इंस्टेंट फूड का जो मैं दो पैकेट लाई थी, क्या बनाया? तो एक मैं लाई हूँ पोहा और एक लाई हूँ मसाला राइस। अभी खिचड़ी का अवेलेबल नहीं था और शीरा का भी अवेलेबल नहीं था, वो एक दो दिन में आ जाएगा, तो अभी मैं ट्राई करने के लिए लाई हूँ। चलो बना देती हूँ, पोहा बना दी हूँ, आप चख के रिव्यू देना। चलो इसे जाने दो मुझे। नहीं। पैकेट में कुछ इस तरह का पोहा आता है और यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए लग दिया है और यहाँ पे लिखा है ब्लैक लाइन है, तब तक हमें बॉइल पानी इसमें डालना है, तो अभी हम एक गर्म पानी इसमें डाल देंगे। ब्लैक लाइन तक हमने पानी डाल दिया है, अभी हमें पैकेट है वो पूरा डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ये ढक्कन आपको बंद कर देना है। और पैकेट के पीछे पूरा रेसिपी लिखा ही होता है, कंपनी के हिसाब से अलग अलग रेसिपी होती है। मैं 8 मिनट के लिए ये ढक्कन बंद करके रखूंगी, 8 मिनट के बाद मैं चेक करूंगी कि कैसा बना है और हार्दिक भाई टेस्ट करेंगे और रिव्यू भी देंगे। तो चलो 8 मिनट के बाद हार्दिक भाई के हाथों से ही ओपन करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। गर्मा गर्म है, आप टेस्ट करके बता सकते हो कैसा बना है। मैं कानू को ले लेती हूँ, खोलो हार्दिक। लाल शू थयु नथी बहना, क्वांटिटी बो। हार्दिक भाई इतने पोहा कितने का आया पता है आपको? कितने? 70 रुपए के। कितना किलो नो आवे पोहा? एक वाट का भी नहीं होगा पूरा। एक वाट का नहीं, आधी वाट की भी नहीं है। दिखाओ तो। अच्छा बन गया है? नहीं, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। स्मेल अच्छी, मिर्ची बिर्ची सब कुछ है। क्या है वो पूरा हिलाया ना तो आधी वाट की हो गया। आधी हो गया। अभी टेस्ट करो आप। मम्म देखो तारे खाऊ छे, तारा माटे शीरो ने। तो आप अकेले होंगे ना तो वैसा पैकेट यूज कर सकते हो। वैसे हमने घर पे पहली बार ट्राई किया है, जेदी बोल रहे थे अच्छा आता है क्योंकि एक दो बार जेदी बाहर गए थे तब उनके दोस्त लोग लेके आए थे, तब जयदीप ने चखा था तो जयदीप अच्छा बोल रहे थे लेकिन हमने टेस्ट नहीं किया था। आज मैंने और हार्दिक भाई ने दोनों ने चख लिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, आप भी यूज कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पे मम्मी मेहनत करते हुए बिल्ला का जूस बनाते हुए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।
આખો દી રસોડામાં જ નવરાત ન થાય. હા રસોડું એસી હે, પેટ એવું છે ને કે ખાલી ને ખાલી, ખાડો પૂરાતો જ નથી, ખાડો પૂરાતો જ નથી. હા અભી હાર્દિકભાઈ ઉઠકે પાણી પીકે સ્ટોર ચા પી ના ચા પી કુછ ખાના પડેગા એસા કરકે કહે. તો દોપહર કા શામ કા અભી ખતમ હો જાયેગા, બાદ મે રાત કા ક્યા સબ્જી બનાયેંગે. સબ્જી કા રોજ પતા નહીં ચલતા ક્યા બનાએ ક્યા બને. અભી હાર્દિકભાઈ મમ્મી કો ટેસ્ટ કરવાને કે લે લાયે હે. મમ્મી ચખ લો આપકો કેસા લગા હે. મસ્ત હે. તો આપ ટેસ્ટ કર લો, આપકે લિયે દો તીન પેકેટ ભી લે જાયેંગે. 70 રૂપિયા લાગલો થાય. અરે ભા મમ્મી આઉટ ઓફ કન્ટ્રી એટલા પૌવા લેવા છે ને તો 200 રૂપિયા મળે. મમ્મી ને નયા શીખ્યા પૌવા શેકીને મસાલો નાખીને આ પેકેટ માં હું તને ભરી દઈશ. એમ નઈ મમ્મી કેવું તને આવે, હું એ જુઓ છું ને. તો દૂસરા કુછ ઇસ તરહ કા પેકેટ મેં લાઈ હું, ઇસમે ક્યા હૈ લેમે ગરમ પાણી રખના હૈ ઓર એ પેકેટ ઇસમે ડાલ દેના હૈ, ડુબો દેના હૈ ઓર 5 મિનિટ તક રખના હૈ. તો 5 મિનિટ કે બાદ યહાં સે કટ કરકે રેડી ટુ ઈટ. इसमें आपके बर्तन भी कुछ नहीं बिगड़ेंगे, उसमें डब्बा तो बिगड़ेगा, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा. एक चम्मच पतीला बिगड़ सकता है ना, तो कोई नहीं. लेकिन अच्छा है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है. तो अभी 5 मिनट हो चुकी है और ये पैकेट में ले निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर कैसा है बना है. गरम गरम हो गया मस्त. तो इधर से कट करने का दिया ही हुआ ही है, तो वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम मेहनत करते हैं. तो कुछ इस तरीके से मसाला राइस बना है. हाँ स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है. फ्राइड राइस जैसा स्मेल आती है. हमारा इंस्टेंट राइस तैयार हो गया है, तो अभी चखते हैं कैसा बना है. हाँ मस्त स्मेल आ रही है. कच्चा है लगता है थोड़ा, नहीं कच्चा नहीं है, मस्त है, बिरयानी जैसा लगता है, जोरदार. मैंने टेस्ट कर लिया था, अभी भाभी टेस्ट करते हैं. अच्छा है, अच्छा है, लेकिन पोहा की कंपेयर में पोहा अच्छा है. राइस में ठीक ठाक है. वेजिटेबल में गाजर के पूरे पूरे चकोड़े आ रहे हैं. वेजिटेबल में गाजर है और दूसरा क्या है, फणसी है, फणसी ने अजी बीजू होतु ना, वटाणा, वटाणे वटाणे थे वटाणे. तो ओवरऑल पोहा अच्छा है, तो पोहा हम ले जाएंगे. उपमा भी अच्छा आता है, तो उपमा भी हम ले जाएंगे. और शीरा वहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो वो हम ले जाएंगे. बात में बात बात तो नहीं ले जाएंगे, वो इतना मज़ा नहीं आया. ये मम्मी क्या लेके आई, शरबत, बिल्ले का शरबत, ठंडा ठंडा शरबत, ठंडा ठंडा जोरदार. अभी पी लेते हैं इतना सारा खाने के बाद, बिल्ले का शरबत पी लेंगे तो पच जाएगा. બાજુ બોલા ઘર પે વાટકી વ્યવહાર રહેતા અડોશ પડોશ મેં બિલન જ્યુસ બનાવ્યો ને. એટલે સેવા થાય ને પેટમાં. બિલા કે જ્યુસ કો, જ્યુસ કો વો મંદિર મે ભી ચડાતે માલુમ હે. જ્યુસ કો લે ચડાતે જ્યુસ ભી ચડાતે બિલા બિલા ચડાતે હે. એવું કોઈ કેતા નહીં તમ ભૂલ. અરે ચડાવે હાચીન ચડાવે, લે મે વિડિયો જોયો છે ને, ઓર દોસ્ત આવેલો છે ને એ વખત ચડાવે. હે મમ્મી આમાં અરે ના ખાંડ ને લીંબુ ને બધું શિવજીને ચડતું હશે. અરે ખાંડ લીંબુ ન હોય, આ ખાલી પાણી માં કાઢી નાખે ને પછી ગાળે નાખે પછી ચડાવે. તમે શરબત બોલો. આપે શરબત જ થયું ને. અરે પાણી થયું શરબત ચડાવે. શરબત કોને કહેવાય, શરબત કિસકો હમ બોલતે જિસમે ખાંડ. હા મીઠું બધું એ નાખીને પછી ચડાવે બસ. હે મમ્મી ચીજીન ખટાઈ ચડી જાય, લીંબુ નખતા આ ચડાવે જ નહીં કોઈ. હે પીવું છે પાપા તો અહીંયા પર બિલા લેતે બેઠ ગયે. પાપા ને એ બિલા અંદર સે ખાયા ઓર યે ચૂરા નિકાલ દિયા. હા અભી દિખા ચૂરા નિકાલ દિયા ઓર સાથ મે બિલે કા જોશ તાર પીધું તે.
नहीं मैंने नहीं पिया है। कैसा बना है जूस? मस्त है ना? नहीं मेरा इधर रखा है ना। यही था हमारा आज का पूरा दिन। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे करते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करा दो प्लीज जल्दी जल्दी। और यस, कल जयदीप जो वेडिंग में गए हैं वहाँ का थोड़ा वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि वेडिंग में बहुत ही सारे हमारे व्यूअर्स हैं। तो वो सब आज पूरी गरबा नाइट है, तो वो सब आपके साथ हम लोग शेयर करने वाले। तो मिलते हैं कल कुछ नए कंटेंट के साथ। बाय।